होगी थिएटर्स में, सिनेमाघरों में, ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए. इसमें सोशल मैसेज भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम एक छोटी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है, इस फिल्म की का मैसेज बहुत बड़ा है, और अगर हम समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हमें लगेगा कि हम कामयाब रहे. और आई थिंक इस तरह की फिल्में, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गया या केरला स्टोरी हो गई, तो हमारी भी फिल्म को उसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो लगता है हम भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे. सो आप लोगों की सपोर्ट की, ऑडियंस की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. आप जो यहाँ आए हैं हमारी फिल्म लावास्ते के लिए, हम चाहते हैं कि ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, मीडिया की पब्लिसिटी थ्रू से पूरे मीडिया इसके लिए मदद करे. एक अच्छी फिल्म बनाई है तो उसके लिए एक अच्छा प्रमोशन की ज़रूरत होती है, एक अच्छा मार्केटिंग की ज़रूरत होती है. मैं कुरुश देबू, आप सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार मुन्ना भाई MBBS से जानते हैं. मैंने यहाँ भी एक डॉक्टर का किरदार किया है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट का किरदार किया है, और जो मेन प्रोटागनिस्ट है उसके साथ मेरा मेन रोल है. तो आई रियली एन्जॉयड माई कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी टीम के साथ मुझे काम करने का अच्छा लगा. मनोज भाई जोशी के साथ भी मैंने काम किया इस फिल्म में. तो मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छी फिल्म बनती है तो उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर रिलीज होना ज़रूरी है, और मीडिया का साथ होना ज़रूरी है. तो ऐसी अच्छी फिल्म के लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग का सपोर्ट रहे, और मेरा किरदार भी इसमें अच्छा है, बहुत ही सीरियस किरदार है, कॉमेडी नहीं है. तो ये फिल्म में जुड़े रहने से मुझे भी बहुत एक अच्छा फीलिंग्स हो रहा है कि एक अच्छी फिल्म के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ. लावास्ते एक बेंचमार्क फिल्म है, याद रखिए, अगर ये फिल्म ऑडियंस थिएटर में देखने जाएगी तो छू लेगी, और ये फिल्म उनके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेगी. इट्स नॉट लाइक डैट कि चलो दो घंटे की फिल्म देखी, एंटरटेनमेंट किया, भूल गए, नहीं, ये झंझोड़ के रख लेगी. लावास्ते ऐसी फिल्म है, तो ऐसी फिल्म ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगी, और आप सबका सपोर्ट से हम ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब ज़रूर ले जाएंगे. की फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू वेरी मच. कुछ बता दिया, बहुत ही एक सीरियस मैटर है ये, हमारे समाज में ऐसा भी होता है, ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन एक ऐसी टीम जो ऐसा काम कर रही है उसके ऊपर एक ये फिल्म बन गई है, और बड़े अच्छे तरीके से कहानी को कहा गया है. सबसे बड़ी बात ये है कि इतना इमोशनल ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इतने आसानी से, इतनी सरलता से पेश किया गया है कि आप लोग एंजॉय करेंगे जो भी इसको देखने वाला है. और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आप लोगों से रिक्वेस्ट तो की है, वो तो आप अपना धर्म निभाएंगे ही, लेकिन हाँ, ये अच्छी फिल्म, इनको प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है. मैं दर्शकों से जो देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ जाइए सिनेमाघरों में, अपनी फैमिली के साथ जाइए. ये फिल्म में आप आंखें नम तो होंगी, लेकिन आपको गुदगुदाती भी रहेगी ये फिल्म. इसको सिर्फ एक सीरियस सिनेमा समझ के ना देखें, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है. ये मैं डायरेक्टर साहब को इसका मैं श्रेय देता हूँ, राइटर्स जो हमारे डायलॉग राइटर गिरी जी, इन्होंने क्या अच्छे तरीके से बनाया. मैं अगेन उसमें अपने बारे में बता दूँ, मैं कॉप ही हूँ, बहुत बार कॉप देखा गया मुझे, मेरी शक्ल वकल सब वैसा ही है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा डायलॉग्स ऐसे मिले इसमें बोलने के लिए कि जिसमें बहुत मज़ा आया मुझे भी. और मैं खैर अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा हूँ. और बस थैंक यू सो मच. जय हिंद.